नमस्कार, अब छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। रायगढ़ में प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उसके बाद बीजेपी की सभा को संबोधित भी करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ में बीजेपी के चुनावी अभियान को तेज करेंगे। पीएम मोदी की सभा में पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी ने रायगढ़ में पीएम मोदी की सभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम। रायगढ़ में प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में न केवल शामिल होंगे बल्कि बीजेपी के चुनावी अभियान को और धार देंगे और तेज करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी की सभा में पार्टी के सभी बड़े नेता भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू की दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और शक्तिशाली हो रहा है। भारत में G20 के सम्मेलन को उन्होंने बड़ी उपलब्धि बताया है। वाकई में हमारे 140 करोड़ भारतवासियों को मान सम्मान और अभिमान को बढ़ाता है। हम पहले से मजबूत हुए हैं, पहले से सक्षम हुए हैं और आज जिस गति से हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जिसका सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था। हम गौरवान्वित हैं कि G20 की अध्यक्षता के सौभाग्य हम भारतवासियों को मिला है और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के दमदार नेतृत्व के बदौलत ही हुआ है। और रायपुर पहुंचे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पोस्टरबाज सरकार को जनता के बीच ले जाकर पोस्टर फाड़ना है। उन्होंने कहा कि रमन सरकार ने राज्य को सम्मान के मुकाम पर पहुंचाया था। लोग छत्तीसगढ़ को गरीबों का प्रदेश कहते थे, बीजेपी सरकार ने उस सोच को बदला। कांग्रेस 5 साल में राज्य को गर्त में ले गई है, केंद्र की योजनाओं का नाम बदलकर अपने नाम पर कर लिया है। सरकार है उसको जनता के बीच में ले जाकर पोस्टर को फाड़ने का संकल्प लेंगे हम। जिस प्रकार से रमन जी की सरकार ने अपने इस छत्तीसगढ़ को एक सम्मान के मुकाम पर ले जाकर पहुंचाया था, छत्तीसगढ़ जिसको लोग गरीबों का प्रदेश कहते थे, उसकी गरिमा को आसमान तक ले जाने का काम किया था पिछले 5 सालों में आदरणीय बघेल जी ने, उसको चौपट करने का काम किया है। जहां देखो वहां अपनी फोटो लगाकर जो काम नहीं किए हैं उसका भी श्रेय ने काम करते। अब मैं तो ये देख रहा हूं कि जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है छत्तीसगढ़ में, उसका सिर्फ नाम बदलकर अपने नाम पे करने। और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी जनता के पास जाने का बहाना खोज रही है। बीजेपी किस बात का परिवर्तन और किस बात की यात्रा निकाल रही है? बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को खुद को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता नहीं है, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में सत्ता हासिल करने के लिए आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इस 4.5 साल में बेहतर काम किया है। रायपुर से बड़ी खबर, ईडी दफ्तर पहुंचे विनोद वर्मा। विनोद वर्मा के बेटे को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले विनोद वर्मा से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। सीएम भूपेश बघेल के सलाहकार हैं विनोद वर्मा। ये बड़ी खबर रायपुर से है।
ईडी दफ्तर पहुंचे हैं विनोद वर्मा, और विनोद वर्मा के बेटे को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले विनोद वर्मा से ईडी पूछताछ कर चुकी है। न्यूज 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के लिए। युगल, विनोद वर्मा के बेटे को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन विनोद वर्मा दफ्तर पहुंच गए हैं, क्या क्यों और ऐसा, और क्या जानकारी निकल रही है? देखिए, प्रशांत महादेव सट्टा एप को लेकर के ईडी की टीम ने अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी थी, जिसमें से चार की गिरफ्तारी की है। उन्हें जो है रिमांड पर जेल रिमांड पर लेकर के पूछताछ भी की गई है, और अब इससे पहले भी विनोद वर्मा को ईडी ने तलब किया था और वहां जाकर पूछताछ भी हुई थी। आज उनके जो बेटे हैं उन्हें बुलाया गया है, और विनोद वर्मा ने जब बातचीत हमसे हुई तो उन्होंने कहा है कि ईडी ने बुलाया है और वो जाँच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं, लेकिन यह भी कहा है कि निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। वैसे भी किसी तरह के गलत जो काम है वो किए नहीं है, तो इसलिए वो लगातार सहयोग भी कर रहे हैं, और यह भी कहा है कि निष्पक्षता से इसकी जांच है वो होनी चाहिए। और उनके परिवार के सदस्य हैं, उन्हें बुलाया गया था तो उन्हें लेकर के वहां पर पहुंचे हैं। फिलहाल अभी ईडी दफ्तर में है, वो पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि सवाल भी उठाया था उन्होंने ईडी की जांच पर विनोद वर्मा ने, युगल, लेकिन विनोद वर्मा के बेटे से क्या सवालात हो सकते हैं या क्या संलिप्तता और किस मामले में उनसे पूछताछ होनी है, थोड़ा ये भी बताएं। जी देखिए, कुछ दस्तावेज हैं वो ईडी ने जब्त किए हैं, जिस कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो भी जब्त किया है, ऐसी जानकारियां जो आ रही थी। और जिस तरह से विनोद वर्मा से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि ईडी को संभवतः लगता है कि कुछ साक्ष्य हैं, कुछ जो विटनेस है वो छिपा रहे हैं, तो संभवतः इसी कड़ी में उनके जो बच्चे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और तो उसी कड़ी पर आज उन्हें तलब किया गया था, तो वो ले करके अपने बच्चों को लेकर के वहाँ पर पहुँचे हैं, और फिलहाल जो पूछताछ है वो की जा रही है। जी जी चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए युगल, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। चुनाव से पहले प्रदेश में अवैध पैसों के मिलने का सिलसिला जारी है। जांजगीर चांपा के मुलमुला में गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कार से 11 लाख रुपए मिले। कार से जो अकलतरा के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ के पास से पुलिस ने 11 लाख रुपए जब्त किए। पुलिस ने भारी मात्रा में पैसा मिलने की सूचना आयकर विभाग की टीम को दी। आयकर विभाग की टीम अब इस मामले की जांच कर रही है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, 11 लाख रुपए बरामद हुए हैं चुनावी साल में, और हालांकि पुलिस जांच कर रही है कि ये पैसा कहां से और कैसे ले जाया जा रहा था और इसका इस्तेमाल कहां होना था। कहीं चुनाव में तो इसका इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं किया जाना था, इन्हीं एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। जगदलपुर से बड़ी खबर है। जगदलपुर नगर निगम की घोर लापरवाही सामने आई है। कचरा गाड़ी में मां दंतेश्वरी का फोटो लगा दिया गया। नगर निगम की लापरवाही पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नगर निगम में वीएचपी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला है। निगम सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। वीएचपी ने नगर निगम के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर एफआईआर करने की मांग भी की गई है। तो भारी लापरवाही जगदलपुर से सामने आई है, जहां नगर निगम की कचरा गाड़ी में मां दंतेश्वरी का फोटो चिपका दिया गया। घोर एक देश में एक लहर चल रहा है, टोटल टारगेट किया जा रहा है सनातन धर्म को लेकर, जो अभी प्रेजेंट में चेन्नई पे स्टालिन जिस प्रकार का अपना बयान दिया है सनातन धर्म को लेके, उसी का दुष्परिणाम है जो आज जगदलपुर शहर में कचरा वाहन में जो वार्डों में जाकर कचरा उठाया जाता है उस वाहन पर मां दंतेश्वरी आराध्य देवी का फोटो चस्पित किया गया है, जो घोर निंदनीय है और सनातनी को धर्म को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य जानबूझकर किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ऐसे जो फोटो को चस्पित करके इस प्रकार का कृत्य किए हैं उसके खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई और साथ में उनके खिलाफ एफआईआर का भी मांग कर रहा है। नगर के विधायक से, इस जगदलपुर क्षेत्र के विधायक रेचन जैन जी से, महापौर सफीरा साहू से पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू धर्म का अपमान करना, सनातनियों का अपमान करना ही इनकी गंगा जमुनी तहजीब बन गया है? गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाले लोगों का यह फैशन बन गया है कि हिंदू धर्म का अपमान करें।
जैसे मेरे संज्ञान में आया मैंने उसको तत्काल अपने जो वाहन प्रभारी उसको निर्देश दिया कि इसको तत्काल हटा दिया जाए और हमने विदिन जो है हाफ एंड आवर में हमने उसको तत्काल हटा भी दिया था। ये वाकई में हमसे चूक तो हुई है क्योंकि यह इसका मैं जांच कर रहा हूँ कि जो सप्लायर है जो अपने जो भी अपने ऑटो टिपर जो यहाँ जो भेजे हैं उसके फर्म को वो लोगों किसने प्रदाय किया था, नगर निगम का लोगों माइदन तेसूरी की तस्वीर वाली उसको किसने प्रदाय किया था उसको मैं जांच कर रहा हूँ और साथ ही साथ संबंधित वाहन प्रभारी को मैंने इस संबंध में नोटिस भी। और दुर्ग में पुल से शिवनाथ नदी में कार गिर गई, हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई। कई घंटे की तलाश के बाद एसडीआरएफ की टीम ने नदी से कार को बाहर निकाला, कार में एक पुरुष एक महिला और दो बच्चों की लाश मिली। सभी मृतकों की पहचान कर ली गई है, वहीं नदी में एक और बच्चे की डूबने की खबर है। बच्चे की तलाश में एसडीआरएफ की टीम फिर नदी में उतरी है। सीसीटीवी फुटेज से एक और बच्चे के होने की जानकारी पुलिस को मिली है। तो हादसे के बाद कार नदी में समा गई थी और इसके बाद चार शवों को निकाला गया, एक पुरुष एक महिला दो बच्चों के शव निकाले गए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो जानकारी मिली है कि कार में एक और बच्चा सवार था और इसी के बाद एक बार फिर से जो टीम है वो बच्चे की खोज के लिए नदी में उतरी। बुलगांव थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर बीती रात मंगलवार को करीब 1 बजे बोरसी निवासी ललित साहू अपनी बोलेरो वाहन जो कि भिलाई स्टील प्लांट में ठेके पर लगा हुआ था उसका स्वयं भी ड्राइवरी करते थे और उस गाड़ी से स्वयं और एक महिला और उसकी 3 बच्चों को लेकर नांदगांव की ओर से किसी ढाबे में खाना खाकर वापस बोरसी की ओर आ रहे थे। इसी दौरान पुलगांव का जो छोटा पुलिया है जहां आने जाने पर लोगों को प्रतिबंधित है उस पुलिया से वो मूवमेंट कर रहे थे, नदी क्रॉस कर रहे थे शिवनाथ नदी, गाड़ी अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई जिस पर से सभी की बॉडी वहीं डूब गई और उसको रात में ही कोशिश किया गया था एसडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम ने क्योंकि रात्रि में नहीं हो पाया तो सुबह प्रातः चार बजे से फिर लगाया गया था। अभी 10 बजे बॉडी चारों ये तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें सीसीटीवी फुटेज में 3 बच्चे बैठते हुए नजर आ रहे हैं एक महिला के साथ और गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर भी। तो कुल 5 लोग इस वाहन में सवार थे, 4 लोगों के शव बरामद हो गए हैं। मिथिलेश ठाकुर न्यूज 18 संवाददाता दुर्ग से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश पहला तो ये कि हादसे की वजह क्या क्या रही, पुलिस जरूर बता रही कि गाड़ी अनियंत्रित हुई, अनियंत्रित होने के पीछे क्या वजह थी, कहीं शराब तो इसकी वजह नहीं थी, शख्स ने चालक ने शराब तो नहीं पी हुई थी। दूसरा ये कि जो कभी भी टीम उतरी हुई है बच्चे की तलाश में क्या जानकारी मिल रही है। देखिए प्रशांत, ये पूरी जो वारदात जो घटना हुई थी वो देर रात में घटित हुई थी जब रात के 2 बजे करीब एक बोलेरो में एक महिला थी, उसके 3 बच्चे थे और जो चालक था वो था। ये लोग सब खाना खा के ढाबे से वापस लौट रहे थे, उसी दौरान जो शिवनाथ नदी का पुराना पुल है वहाँ से वे निकल रहे थे, उसी दौरान भी एक घटना हुई। अब ये जाँच का विषय है कि वो शराब पिया था कि नहीं पिया था, ये घटना कैसे हुई, लेकिन घटना ये हुई थी कि रात करीब 2 बजे वहाँ से जब लौट रहे थे उसी दौरान भी अनियंत्रित हुई कार और वो सीधे जो है नदी में जा गिरी। काफी 2 दिनों से बारिश लगातार हो रही थी जिस वजह से बहाव काफी तेज था, किसी ने वहां पर वाहन को गिरते हुए देखा था, उसके बाद में पुलिस को इसकी सूचना दी गई। रात में रेस्क्यू नहीं किया जा सकता था, सुबह रेस्क्यू की टीम लगाई गई थी रेस्क्यू के लिए, करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद में 4 बॉडी वहां पर निकाली गई है, कार को बाहर निकाला गया। जब और इसकी जांच की गई तो यह पता चला कि इसमें 4 नहीं 5 लोग सवार थे, जब सीसीटीवी में नजर आ रहे थे जो इसमें 5वीं एक बच्ची भी थी। तो फिर से अभी जो एसडीआरएफ की टीम एनडीआरएफ की टीम वहां पर शिवनाथ नदी पर पहुंची हुई है, शिवनाथ नदी में लगातार जांच की जा रही है, उस शव का पता तलाश किया जा रहा है क्योंकि लंबा समय बीत गया है तो उसके बचने की कोई उम्मीद छूट सी जाती है। तो इस तरह से 5 लोग उस कार में सवार थे, सभी की पहचान कर ली गई है। अब सवाल ये उठता है कि गुंडरदेही की रहने वाली महिला यहां पर कैसे पहुंची थी, वो लोग कैसे मिले थे, वो क्यों वहां पर गए हुए थे और वहां से वो कहां जा रहे थे, ऐसे तमाम सवाल है जिसका अभी जवाब लेना बाकी है। तो पुलिस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ाएगी। शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के खंडवा जहां से आज जन आशीर्वाद यात्रा, 5वीं जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी शुरू करने जा रही है
और नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस आयोजन में पहुंच चुके हैं, मंच पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि नितिन गडकरी ही आज इस पांचवी जन आशीर्वाद यात्रा को खंडवा से रवाना करने वाले हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, बड़ी फूलमाला से नितिन गडकरी का स्वागत किया जा रहा है। मंच पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। सीएम शिवराज सिंह, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा मंच पर मौजूद नितिन गडकरी के साथ। मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत के माध्यम से उद्बोधन देंगे माननीय ज्ञानेश्वर जी पाटिल जी। बोलो भारत माता की, नर्मदा मैया की, ओंकार महाराज की, संत सिंह महाराज की, दादा धुनी वाले की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज हमारे दादा धुनी वाले की पावन धरा पर भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने के लिए हमारे देश के यशस्वी सड़क एवं परिवहन सांसद संबोधित कर रहे हैं और मंच पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। करता हूं, अभिनंदन करता और नितिन गडकरी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और सीएम शिवराज, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे आज खंडवा से पांचवी जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज होने जा रहा है। और प्रदेश के रूट में अगर हम जिक्र करें तो मालवा निवाड़ और खंडवा दोनों क्षेत्र कवर होंगे इस यात्रा के जरिए, और ये बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र 2018 में बीजेपी को जबरदस्त समर्थन भी इस क्षेत्र से मिला था और इस बार इस समर्थन को और मजबूत और बड़ा बनाने की कोशिश बीजेपी इस यात्रा के जरिए कर रही है। कुल 5 जन आशीर्वाद यात्राएं मध्य प्रदेश में बीजेपी निकाल रही है अलग अलग क्षेत्रों से, और एक साथ इनका समापन भोपाल में होगा। निश्चित रूप से अभी तक के 6 घंटे लगते हैं, लेकिन ये सड़क पूर्ण होने के बाद जो रूदी से लेकर देशगांव तक की सड़क आपने स्वीकृत कर दी है, लेकिन रूदी से लेकर तो जो खंडवा की सबसे बड़ी समस्या रहती है बाईपास की, उस बाईपास की समस्या का भी समाधान यदि कोई कर सकते तो आप कर देंगे, और रूदी से लेकर तो डुलार फाटे तक की स्वीकृत कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आपने सड़कों का जाल बिछाया, उसी के साथ हमारे बुरहानपुर बेबीधार जलगांव जामोद से बुरहानपुर की सड़क की भी बहुत दिनों से मांग चली आ रही है। आपने जलगांव जामोद तक तो 4 लेन स्वीकृत कर दिया है, लेकिन जलगांव जामोद से बुरहानपुर की दूरी मात्र 50 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर की सड़क। और इस यात्रा पर नजर बनी रहेगी, आयोजन पर नजर बनी रहेगी, लेकिन बड़ी खबर जांजगीर चांपा से है। व्यापारी से दिन दहाड़े 6,60,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। आंख में मिर्च पाउडर डालकर वारदात को अंजाम दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड के ड्रेस में पहुंचे थे लुटेरे, लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। जांच में अब अकलतरा पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, जहां 6,60,000 रुपए की बड़ी लूट को अंजाम दिया गया है। व्यापारी को लूटा गया है। बताया जा रहा है कि व्यापारी की आंख में मिर्च पाउडर डालकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है, और जो लुटेरे थे वो सिक्योरिटी गार्ड के ड्रेस में पहुंचे थे। हालांकि जो लूट की वारदात थी वो सीसीटीवी में कैद हो गई, और ये लुटेरों तक पहुंचने का एक आसान जरिया हो सकता है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है, जांच में जुट गई है। 6,60,000 रुपए व्यापारी से लूट लिए गए। व्यापारी की आंख में लाल मिर्च पाउडर डाला गया और पैसे लूट कर बदमाश फरार। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में जो लुटेरे थे वो पहुंचे थे व्यापारी के दफ्तर, और करीब 6.5 लाख रुपए से ज्यादा लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद जरूर हुई है, और इसी सीसीटीवी के आधार पर ये संभावनाएं जताई जा सकती हैं कि पुलिस जल्द ही आरोपियों तक पहुंच जाए, लुटेरों तक पहुंच जाए। और इससे ये भी साफ होगा कि आखिर क्या जो लुटेरे थे पहले से रेकी कर रहे थे व्यापारी की, या फिर व्यापारी के कोई जानने वाले ही थे। न्यूज 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, सीसीटीवी में कोई पहचान हो पाई क्या आरोपियों की, लुटेरों की?
सीसीटीवी फुटेज की जांच अभी की जा रही है। आंख में मिर्ची पाउडर डाल करके और कट्टे अड़ा करके लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। खुलना धान का खरीदी करते थे ये व्यवसायी, सिक्योरिटी गार्ड के जो भेष में ये आए थे दोनों आरोपी, और राखी कुमार कश्यप के दरवाजे में जो बैग नकदी रकम रखे हुआ था उसे लूट करके ले गए हैं। अकलतरा पुलिस है पूरे मामले की जांच है वो कर रही है, अलग अलग जगहों पर जो जो है जांच के लिए पुलिस जो दल है वो रवाना किया गया है, और ये पूरी जो रकम है 6,60,000 रुपए की है वो बताई जा रही है। आस पास के सरहदी जो जिले हैं उसमें नाकेबंदी की है, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली है तो उसकी नाकेबंदी की गई है। जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है लगता है कि पहले से जानकार रहे होंगे, तभी उन्हें पता था और इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया युगल पूरी जानकारी के लिए। और अब रुख करेंगे सिटी टॉप 20 का। जगदलपुर नगर निगम की घोर लापरवाही, कचरा गाड़ी में लगाया मां दंतेश्वरी का फोटो, दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर वीएचपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल आएंगे छत्तीसगढ़ दौरे पर, पार्टी के नेताओं से करेंगे चर्चा। 8 तारीख को राजनांदगांव में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में होंगे शामिल। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा हमला, कहा बीजेपी जनता के पास जाने का बहाना खोज रही है, आपस में मतभेद है इसलिए परिवर्तन की बात कर रहे हैं। रायपुर में ईडी दफ्तर पहुंचे विनोद वर्मा, वर्मा के बेटे को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, सीएम भूपेश बघेल के सलाहकार हैं विनोद वर्मा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पोस्टरबाज सरकार को जनता के बीच ले जाकर फाड़ना है पोस्टर। महासमुंद में भालू के हमले में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, खेत में काम कर रहे दो लोगों पर किया था हमला, टेका ग्राम का मामला। पूर्वा में मालगाड़ी और कार में टक्कर, हादसे में बाल बाल बची कार सवार की जान, जूनाडीह रेलवे साइडिंग के पास की घटना। जांजगीर चांपा में चुनाव से पहले पैसों के मिलने का सिलसिला जारी, मुलमुला इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान मिले 11 लाख रुपए, मामले की जांच में जुटी आयकर विभाग की टीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे छत्तीसगढ़ 14 सितंबर को, पीएम करेंगे रायगढ़ दौरा, बीजेपी ने शुरू की सभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी। G20 समिट में दिखेगी छत्तीसगढ़ संस्कृति की झलक, दिल्ली के भारत मंडपम के क्राफ्ट बाजार में ढोकरा कला की दिखेगी झलकियां। दुर्ग के शिवनाथ नदी में गिरी कार, मिली कार सवार 4 लोगों की मौत, मृतक की हुई शिनाख्त, एक महिला और 2 बच्चों की नहीं हुई पहचान। जसपुर में दनगरी वाटरफॉल घूमने आई टीचर से गैंगरेप, घुमाने लाए युवकों ने दिया घटना को अंजाम, दोनों आरोपियों सद्दाम खान और इम्तियाज अंसारी की तलाश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ में लगातार रद्द हो रही ट्रेनों को लेकर कांग्रेस करेगी चरणबद्ध आंदोलन, 9 को सभी जिलों में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, 13 को सभी स्टेशनों में रेल रोको आंदोलन। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने